देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1 और रेंज दी है एक्स की ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/√2। तो आपको निकालना है इसका dy/dx। तो मैंने बताया था अगर यहाँ sec इनवर्स लिखा है तो हमें अंदर कुछ ऐसा चाहिए जो sec के फॉर्म में हो, लेकिन डायरेक्ट sec का कोई फॉर्मूला इसमें बनेगा नहीं, लेकिन अगर cos का भी आ जाएगा तो cos से हम sec में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cos के फॉर्मूले के लिए हमें दिख रहा है अगर हम x की जगह cos थीटा पुट करें तो 2cos²θ - 1 ये आइडेंटिटी होती है आपकी cos²θ की। तो ऐसे हमें मिल जाएगा cos²θ और 1/cos²θ को हम लिख सकेंगे sec²θ। तो हमारा dy/dx आसानी से निकल आएगा। तो हम यहाँ पुट करते हैं, पुट x = cos θ, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos inverse x। तो यहाँ लिखते हैं y = sec inverse 1/2cos²θ - 1। ये आइडेंटिटी होती है cos²θ की। तो y = होगा sec inverse 1/cos²θ। तो y = sec inverse 1/cos θ होता है sec θ, तो ये हो जाएगा sec²θ। तो y = हो जाएगा 2θ। आगे हम इसे लिखेंगे y = 2θ, हमने लिया था cos inverse x, 2 × cos inverse x। अब लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा dy/dx 2cos inverse x। तो dy/dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आएगा, cos inverse x का होगा 1/ माइनस में होता है √1 - x² या इसी को हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू -2/√1 - x². तो ये आया आपका dy/dx। थैंक यू, नोट इट।